सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप डायनामिक क्या होते हैं और इसकी जो टाइप्स हैं ग्रुप्स की वो कौन कौन सी हैं, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जाम्पल के साथ इनकी टाइप्स का कॉन्सेप्ट और ग्रुप डायनामिक का कॉन्सेप्ट आपको इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रुप डायनामिक क्या होते हैं। ग्रुप डायनामिक का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा लोगों का मिलना, आपस में टुगेदर होना, किस लिए, किसी पर्टिकुलर गोल को या किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए। दो या दो से ज्यादा लोगों का मिलना, टुगेदर होना किसी पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के लिए, उसको हम कहते हैं ग्रुप। जैसे आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज में दोस्तों के साथ ग्रुप बना होता है उसको क्या कहते हैं ग्रुप। आपका बेसिक क्या होता है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होना, अटैच होना, और कोई असाइनमेंट वगैरह है उनको मिलके करना। तो ये क्या आपका एक गोल ही है ना, आपने फ्रैंक होना है, आपने अपना अच्छा टाइम स्पेंड करना है, तो क्या करती हैं दोस्तों के साथ एक ग्रुप बना लेते हैं, मिल जाते हैं। तो बेसिक आपका क्या होता है कि आपका टाइम अच्छा गुजरे, कोई असाइनमेंट या कोई एग्जाम का काम है तो मिलके कर लें, इसको हम कहते हैं ग्रुप। अभी बात आगे आ जाती है, वैसे ग्रुप जो होते हैं ना उसमें हर डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं और उनकी सोच जो है ना वो डिफरेंट होती है, एटीट्यूड डिफरेंट होता है, परसेप्शन डिफरेंट होती है, उनका रवैया डिफरेंट होता है, बिहेवियर डिफरेंट होता है। और आगे आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। ग्रुप्स की टाइप्स क्या हैं, इधर मैंने दो तीन टाइप्स नहीं लिखी, जो प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप नहीं मैंने लिखा और कॉस्ट ग्रुप नहीं लिखा, ग्रुप की और भी टाइप्स होनी है। तो बेसिक जो इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं ये हैं, और इसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी और कॉस्ट ग्रुप भी आता है, उनका भी कंसेप्ट आपको बता दूंगा। सबसे पहले आ जाता है फॉर्मल या टास्क ग्रुप। नाम से ही पता चल रहा है, अभी फॉर एग्जाम्पल आप ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में जो आपका ग्रुप बना होगा ना वो फॉर्मल होगा, और उसको हम टास्क ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो जो ग्रुप है ना लोगों का, आपने टीम के साथ जो मिलके काम करना है उसका एक पर्टिकुलर टास्क है कि कंपनी का वो काम करना है और कंपनी प्रॉफिट अर्न करे, तो वो उसको हम कहते हैं फॉर्मल। आपने ड्रेसिंग की अच्छे तरीके से उधर रहना है, आपने कोई शुगल मेला नहीं, मतलब अच्छे तरीके से उधर रिएक्ट करना है। ये नहीं कि घर वाला साहब नहीं, घर में भी ग्रुप होते हैं, मियाँ बीवी बच्चों का भी ये एक ग्रुप है। तो घर में आप इनफॉर्मल होते हैं, ऑफिस में आप फॉर्मल होते हैं, मतलब ऑफिस का जो ग्रुप होता है वो फॉर्मल ग्रुप होता है, और उसी को हम टास्क ग्रुप भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर उधर टास्क अचीव किया जा रहा होता है मिलके। आगे आ जाता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल मैंने आपको बताया, एग्जांपल दी, जैसे घर में आपका बच्चों के साथ, आपकी अपनी बीवी के साथ, बहन भाई के साथ, अम्मी अबू के साथ जो ग्रुप होता है ना, जो उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं, तो वो आपका इनफॉर्मल ग्रुप होता है। आप किसी पार्टी में जाते हैं दोस्तों के साथ, पार्टी में इंजॉय करते हैं, तो वो क्या है, इनफॉर्मल ग्रुप है। सॉरी गला खराब है थोड़ा सा। आगे आ जाता है ओपन ग्रुप, क्लोज ग्रुप। ओपन ग्रुप जो होता है ना, बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि वो ग्रुप जो ओपन है, खुला हो, कि जिसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, उसको कहते हैं ओपन ग्रुप। और क्लोज ग्रुप क्या होता है, क्लोज ग्रुप जिसमें बस कुछ पर्टिकुलर लोग हैं, जैसे आर्मी के क्लोज ग्रुप होते हैं, एजेंसीज वगैरह के क्लोज ग्रुप होते हैं, जिनके पास सीक्रेट होते हैं, उसमें कोई भी बंदा नहीं आ सकता, कोई भी नहीं जा सकता। ऐसे ही आप देख रहे होते हैं तंजीमें होती हैं, स्टूडेंट्स ने अपनी तंजीमें बनाई होती हैं, अपनी सोसाइटी बनाई होती हैं, तो उसमें क्या है, कोई भी स्टूडेंट आ सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट जा सकता है, वो ओपन ग्रुप है। तो आगे आ जाता है इंटरेस्ट ग्रुप। बहुत ईजी सा इसका लॉजिक है। इंटरेस्ट ग्रुप में क्या होता है कि आप हो ना, आपको पढ़ने का शौक है, या आपको डांस करने का शौक है, या आपको गाने का शौक है, फॉर एग्जाम्पल आपको सिंगिंग का शौक है, आपके दो दोस्त हैं उनको भी सिंगिंग का शौक है, तो आप तीनों का इंटरेस्ट जो है, तीन दोस्तों का एक जैसा हो गया, आपने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, आपने कहा हम इकट्ठे काम किया करेंगे, तो ये क्या इंटरेस्ट ग्रुप है, जिधर आप तीनों का इंटरेस्ट एक जैसा हो गया, आपने एक ग्रुप बना लिया, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट ग्रुप। आगे आ जाता है इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। सिंपल सा इनका लॉजिक है, इन ग्रुप जो होता है ना, जिसके जिस ग्रुप के अंदर आप होते हैं, जिस ग्रुप से आप बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, उसको हम कहते हैं इन ग्रुप। और जो आउट ग्रुप होता है ना, उसके अंदर आपकी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उस ग्रुप के अंदर आप नहीं होते, मतलब उसके अंदर कोई भी आपकी आइडेंटिफिकेशन नहीं होती, उससे आप बिलोंग नहीं करते। आगे आ जाता है प्राइमरी सेकेंडरी। इधर लिखा नहीं हुआ, वैसे आपको लॉजिक बता देता हूँ। प्राइमरी ग्रुप जो होता है ना, जो फर्स्ट टाइम ग्रुप बनाया जाता है, उसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रुप। और सेकेंडरी ग्रुप वो होता है जो पहले से बना होता है, उसको उसके अंदर जो लोग शामिल हो जाते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी ग्रुप। और कास्ट ग्रुप क्या होता है, कास्ट ग्रुप जो होता है ना, जैसे मुसलमान है उनका एक अलग ग्रुप है किस्म का, जैसे पंजाबी हैं, गुजराती हैं, मराठी हैं, तो इनका क्या एक
कास्ट है, इनकी एक जात के हिसाब से ग्रुप बना है। जैसे जट लोग हैं, इनका एक अपनी जात से लिहाज से ग्रुप बना होता है, इसको हम कहते हैं कास्ट ग्रुप। आई होप आपको इनके ग्रुप्स टाइप्स का समझ आ गई होगी, ग्रुप्स का भी मतलब पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।